सेवेंथ क्लास बेटा अलजेब्रा एक्सप्रेशंस वाला चैप्टर कर रहे थे हम लोग मैथ में, ठीक है। ऐड वाले सम आपको करा दिए थे, आज मैंने आपको सब्ट्रैक्ट वाले करवाने हैं, माइनस वाले कैसे करने हैं हमने। जैसे मान लो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दी हुई है, व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम 3x² - 4y² + 5xy + 22 ऑब्टेन -x² - 5² + 6xy + 20 के साथ हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। हम कैसे वैल्यू को लिखेंगे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्या दी हुई है हमें, 3x² - 4y² आगे प्लस 5xy और प्लस 20, ठीक है। किसके साथ करना है वो सेम नीचे x² y² के नीचे लिख लेंगे। जैसे फर्स्ट क्या दिखा, -x² - y² + आगे एक्स वाई के नीचे 6xy आ जाएगा, प्लस आगे क्या दिया हुआ हमें 20, तो 20 के नीचे 20 आ जाएगा। अब प्लस और प्लस क्या होता है हमारा, माइनस, प्लस और प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है। अब एक प्लस की वैल्यू आ गई एक, अब तो क्या हो जाएगा ये प्लस का और एक माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस और बड़ी वैल्यू के साथ क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। अब 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1 नहीं आता है, बट 1 यहाँ पे लिखना नहीं, हमने सीधा क्या लिख देना यहाँ पे एक्स और वाई माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या 4 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा हुआ है, 4 में से 1 जिसके आगे कोई वैल्यू नहीं 1 बताया हुआ, 4 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3y² ठीक है, माइनस। उसके बाद 3 में से हमने जब जहां पे बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा हुआ है, ठीक है, तो 3 और 1 कितना हो गया हमारे पास 4x² ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर मान लो आपको ऐसे करके वैल्यू आ जाए, जैसे -12xy - 6xy, तो हमने कैसे लिख देना है -12xy - 6xy, ठीक है। माइनस माइनस यहाँ पे क्या कर दिया अभी हमने, प्लस का हो गया 12 और 6, अब 12 और 6 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 18xy, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस,